नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह बिष्ट एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जिन भाई लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वो वीडियो आप चेक करें। तो दोस्तों, आज बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में, कार्डियो करेंगे, जो होम बेस्ड कार्डियो होगा। तो आइए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा वार्म अप और स्ट्रेचिंग करना जरूरी है। वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्टार्टिंग में दोस्तों, अपनी जो आपकी रिस्ट है इसको इस तरीके से रोटेट करना है। आमतौर पर आपने कई सारी यूट्यूब वीडियो में ये देखा होगा, क्योंकि ये हमारी रिस्ट की मोबिलिटी के लिए ज़रूरी है। सेकंड है हमारी नेक रोटेशन, अप एंड डाउन 8 से 10 बार करें आप इसे। फिर तीसरा है साइड रोटेशन नेक का, इसे भी कुछ इस टाइप से 8 से 10 बार करें आप। फिर है शोल्डर रोटेशन, इसे भी कुछ आप 8 से 10 बार करें। फिर फ्रंट शोल्डर रोटेशन, इसे भी आप 8 से 10 बार करें। फिर थोड़ा सा आप अपने लेग को वाइड करके पूरा हिप रोटेशन ये इस तरीके से 8 से 10 बार। फिर जो आपकी कमर है इसे इस तरीके से लॉक करके थोड़े से पैर आपको वाइड रखने और इस तरीके से रोटेट करना है 8 से 10 बार राइट साइड को और 8 से 10 बार लेफ्ट साइड, ठीक है दोस्तों। फिर है नी रोटेशन, आपका नाम है नी रोटेशन। इस तरीके से हाथ रख लेना है, इन्हें आगे की तरफ लेके जाना पूरा और इस तरीके से घुमाना है। जिसके अगर जॉइंट्स में नी में पेन है वो ये ना करें, वो कुछ इस टाइप से कर सकता है 1 2 3 4 8 से 10, ठीक है। फिर है दोस्तों एंकल रोटेशन, ये एंकल 8 से 10 बार राइट साइड को, 8 से 10 बार लेफ्ट साइड को। फिर कर लेते हैं आप पूरी प्रॉपर स्ट्रेचिंग। पैरों को इस तरीके से पूरा वाइड रखना है आपको, हाथ को इस तरीके से रखना है नीचे। एक बार 8 से 10 सेकंड होल्ड करना है, तो दूसरी साइड 8 से 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर तीसरी टच करके यहाँ रखना है 8 से 10 सेकंड और फिर सेम इधर 8 से 10 सेकंड टच करना है। फिर आपको 8 से 10 बार ऊपर और 8 से 10 बार नीचे इस तरीके से। तो कर लेते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट, जो कि कुछ स्टेप्स है। आपको इस तरीके से हाथ रखने हैं अपने और स्पीड से 1 2 3 4 5 6 कुछ इस टाइप से करना है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते इसे, तो आपको स्लो करना है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको ये कर लेना है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों, आपका बेली फैट भी निकलेगा और ओवरऑल बॉडी की चर्बी इससे कम होगी। ये थी इसकी स्टैंडिंग वेरिएशन। अभी इसकी मैं आपको प्रोनेटेड वेरिएशन भी बताता हूँ। उसके लिए हमें चाहिए एक मैट पहले बिछाने के लिए। तो सबसे पहले ले लेते हैं मैट, कुछ इस तरीके से बिछा लें आप। इसमें पैरों को इस एंगल पे आपको सेट कर देना है वाइड, हाथों को यहाँ रख लेना है और इसे इस तरीके से टच करना है दोस्तों 1 2 3 4 5 6। दोस्तों मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि अगर आप ये एक्सरसाइज को रोज करें तो आपका ये बेली फैट बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा, ओवरऑल बॉडी का फैट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। अब जो ये एक्सरसाइज है दोस्तों, इसके सेट और रेपिटेशन में बता देता हूँ। इसमें ऑल्टरनेट में हर लेग 25 रेपिटेशन निकालने हैं, मतलब कि 50 रेपिटेशन के 2 सेट, टोटल 100 हो जाएंगे दोस्तों। अब प्रोनेटेड वेरिएशन में भी इतने ही लगेंगे और स्टैंडिंग वेरिएशन में भी। अब देखते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज। तो कर लेते हैं दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज, वो कुछ इस टाइप से करनी है। हाथों को आपको यहाँ पे रख लेना है इस तरीके से और पैर हमारे पूरे वाइड जाएंगे, इन्हें मतलब पैरों को ओपन करना है आपको इस तरीके से जैसे कैंची चलती है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है ये प्रोनेटेड वेरिएशन। अब मैं आपको इसकी स्टैंडिंग वेरिएशन भी बताता हूँ, रेडी। तो यह है दोस्तों इसकी स्टैंडिंग वेरिएशन, कुछ इस तरीके से आपको हाथ रख लेना है, इससे आपका माइंड फोकस रहेगा। तो इस तरीके से आपको पैर खोलने अपने 1 2 3 4 5 6। ये जंपिंग जैक्स की तरह है दोस्तों, लेकिन इसमें आपको स्लो जंप करनी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज बेसिकली इस तरीके से डिजाइन की गई है जिसे नी की प्रॉब्लम है तो उसको नी में इंजरी दोबारा से ना हो, तो इसलिए आपको इसमें स्लो जंप रखनी है। आपको पैरों में दर्द रहता है तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको सेम रेपिटेशन सेम सेट रखने हैं, 2 सेट और 25 रेपिटेशन, मतलब कि सिंगल लेग आपको 25, टोटल 100 आपके रेपिटेशन जाएंगे। पहले दिन से आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, धीरे धीरे आप इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। अब कर लेते हैं दोस्तों तीसरी एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज नहीं कर पाए दोस्तों तो आप मतलब नहीं कर सकते कुछ भी। तो काफ़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इस तरीके से करना है। इसमें हाथ रखना है और ये पैर आगे रखना है और उसमें हल्की सी जंप करनी है 1 2 3 4। जैसे आपका मूवमेंट तेज हो जाएगा तो हाथों की भी वेरिएशन ऊपर नीचे स्पीडली हो जाएगी इस तरीके से। ये बेसिकली दोस्तों क्या करती है, हमारे काफ की मसल पे बहुत ही अच्छा इंपैक्ट डालती है। मैंने इसीलिए बोला था आपको काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, जिसमें आपका ये हैम्स पे जिसकी चर्बी होती है इन दोनों एरिया में, ये इसे बोलते हैं दोस्तों एबडक्शन मसल और इसे बोलते हैं हैमस्ट्रिंग्स। तो हैमस्ट्रिंग और एबडक्शन पे जिसकी चर्बी रहती है उसके लिए ये वाली बेस्ट एक्सरसाइज है। आप घर पे इसे परफॉर्म करें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इस तरीके से आपको हाथ रख लेना है और ये जो आपका पैर जाएगा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6
देखो इस तरीके से दोस्तों आपको ये परफॉर्म कर लेनी है, काफी अच्छी एक्सरसाइज है और लेडीज के लिए है जिनके ये एब्डक्शन मसल में बहुत ज्यादा चर्बी रहती है, बहुत फैट रहता है, तो वो इस एक्सरसाइज को ट्राई करें, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि लेग के फैट के लिए बहुत लोगों की कंप्लेंट रहती है कि लेग में हमारे फैट है, तो इसे इस तरीके से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। और दूसरा इस एक्सरसाइज को जो दूसरा वेरिएशन है इसका कुछ इस टाइप से हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं दोस्तों जिसे हम इग्नोर कर देते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए। आपको अगर अपनी बॉडी आपको हेल्दी रखनी है तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है, डेली अपने रूटीन में शामिल कर लेनी है। और अगर आपको कोई छोटी मोटी क्वायरी होगी तो आप नीचे कमेंट कर देना ताकि मैं अच्छे से और अच्छे से आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। तो ये थी आज की कुछ एक्सरसाइज छोटी मोटी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों और दोस्तानों आज का वर्कआउट हो गया हमारा समाप्त। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा और फ्यूचर में भी मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब के रूप में अपना प्यार दे दें, कमेंट के रूप में अपने पैसे दे दें और लाइक के रूप में अपना जो कुछ भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो कमेंट इसमें फ्री है दोस्तों, तो कमेंट कर दें, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी खुशी होगी। तो आप बेकार कमेंट, अच्छा कमेंट, जैसा भी आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर आप बेकार कमेंट भी करते हैं तो मेरे लिए वो भी एक मोटिवेशन ही होगा कि इस टाइप की मैं वीडियो डालूं फ्यूचर में। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।